Hello everyone, welcome to My University Consultant and today we will talk about Bashkir State Medical University। तो आज हम बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल ये सब कंटेंट डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है इसका इंट्रो, फिर ये इंग्लिश है, फिर बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी है और इसका MCI पासिंग रेशियो क्या है और MCI कोचिंग कैसी है यहाँ पर, और इसके उफा सिटी के बारे में बात करेंगे जो इसकी सिटी है यहाँ पे, और इसके हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ट्यूशन फ़ी एंड हॉस्टल फ़ीस के बारे में, फिर हम रूट एंड वेदर के बारे में बात करेंगे। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1930 में स्टार्ट किया गया था एंड अभी इसको ऑलरेडी 100 ईयर्स हो चुके हैं। एंड बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 1300 है, जो कि 40 डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे पढ़ने आते हैं। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मोर देन 500 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं करेंटली, एंड ये इंडियन स्टूडेंट के बीच में बहुत ही पॉपुलर है जस्ट बिकॉज ऑफ लो फीस एंड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। BSMU में फैकल्टी की बात करें तो मोर देन 300 फुल टाइम प्रोफेसर्स हैं एंड 700 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। क्या क्या कोर्स ऑफर करता है BSMU, दैट इज़ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? सबसे पहला जनरल मेडिसिन, जिसको हम MBBS भी कहते हैं, सेकेंड डेंटिस्ट्री, थर्ड है हमारा फार्मेसी और फोर्थ है पेडियाट्रिक्स। अब अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 4icu.org वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ 4177 एंड 5th पोजिशन इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब अराउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग BSMU की वर्ल्ड रैंकिंग 672 है। अब रिकग्निशन, इसको कहाँ कहाँ से रिकग्निशन मिला है? सबसे पहला WHO, NMC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन, यूनेस्को, और फिर हमारा है एजुकेशन कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, दैट इज़ ECFMG, जो कि आपका US के लिए होता है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, क्या ये यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश है या फिर बायलिंगुअल है? ठीक है, फुल्ली इंग्लिश मतलब 6 साल के लिए पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और बायलिंगुअल मतलब फर्स्ट 3 ईयर तक आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा फुल्ली, एंड फिर 4th ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपको रशियन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बशकीर कैसा है? अब बशकीर में आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, फिर 4th ईयर से 6th ईयर में आपको फुल्ली इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, बट इसके जो क्लिनिकल एक्सपोजर होते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके हॉस्पिटल्स में होता है, वो आपका रशियन लैंग्वेज में होगा। नो मैटर वो जो मसल्स के नाम हम बताएंगे वो आपका इंग्लिश में ही बताया जाएगा, बट जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे, वो आपका रशियन होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें कैसे समझ में आएगा, हम कैसे जान लें कि ये रशियन पढ़ा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो जब तक आप 4th ईयर में पहुँचते हैं आपको बहुत अच्छे से रशियन आ जाती है, तो आपको इतना कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ, 1st से 3rd ईयर तक आपका फुल्ली इंग्लिश रहेगा, फिर 4th ईयर से लेकर 6th ईयर तक इसमें सब कुछ इंग्लिश में होगा। आपका जो मोड ऑफ़ टीचिंग है वो इंग्लिश है, मोड ऑफ़ एग्ज़ाम जो होगा वो भी इंग्लिश है, बट जो प्रैक्टिकल होंगे, जिसे हम क्लिनिकल एक्सपोजर कहते हैं, जो कि आपका हॉस्पिटल में होता है, वो आपका होगा रशियन लैंग्वेज में, और आपको रशियन सिखाई जाती है 1st ईयर से, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है इसमें। तो अब हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं इसके एडमिशन लेटर का, ठीक है, जिसमें 1st से 3rd ईयर तक लिखा हुआ है फुल इंग्लिश है, एंड फिर 4th से 6th ईयर भी इंग्लिश है, बट जो क्लिनिकल एक्सपोजर हैं वो आपके रशियन लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, और बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ बहुत कुछ बोलती है, प्लीज़ उनका बिलीव ना करें, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हम अब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 2018 तक जो BSMU है वो बायलिंगुअल थी, बट अब ये बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। तो अब बात करते हैं MCI पासिंग रेशियो की एंड MCI कोचिंग के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंसीज ऐसे हैं जो आपको कुछ भी बता देते हैं। कुछ कंसल्टेंसीज यहाँ पे ऐसे हैं जो BSMU का 2019 का पासिंग रेशियो, MCI पासिंग रेशियो 61-66%, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल पासिंग रेशियो था दैट इज़ 31.2%। तो आपको जो कोई भी ऐसा कुछ भी बता रहा है पासिंग रेशियो, आप उनसे प्रूफ ज़रूर मांगे, जस्ट डू नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो आप उनसे पूछें कि जो पासिंग रेशियो आप दिखा रहे हैं, क्या आपके पास उसका प्रूफ है? ठीक है, आपको अगर कहीं पे प्रूफ नहीं मिल रहा, आप हमसे आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रूफ देंगे। जो वेबसाइट होती है वहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट लाके दे देंगे, या तो आपको स्क्रीनशॉट की जगह आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं कैसा है उसका पासिंग रेशियो। और आपको पासिंग रेशियो के अलावा कोई भी अदर प्रूफ चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, या फिर आपको इंश्योरेंस या फिर वीज़ा एक्सटेंशन, किसी भी चीज़ का फ़ीस का कोई भी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको विद प्रूफ आपको सब कुछ बता देंगे। तो अब बात करते हैं MCI कोचिंग का, मतलब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे कोचिंग दिया जाता है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको वो एग्ज़ाम है जो आपको एमबीबीएस करने के बाद, मतलब आपका 6 साल या फिर 5 साल कहीं से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपका ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, NEXT एग्ज़ाम या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डीन ने रिसेंटली सिलेबस को रीडिज़ाइन किया है नेक्स्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इन चेंजेस के कारण इंडियन स्टूडेंट जो ऑलरेडी BSMU में पढ़ रहे हैं या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं उफा सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी उफा सिटी में सिचुएटेड है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ के। फर्स्ट, ग्रेट लोकेशन, सेकंड, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग, थर्ड, बिजनेस सेंटर ऑफ रशिया, फोर्थ, हाई लेवल ऑफ सेफ्टी, फिफ्थ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। उफा सिटी वही सिटी है जहाँ पर ब्रिक्स समिट हुए थे 2015 में, एंड आवर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट। उफा एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सिटी है रशिया की। अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स की माने तो उफा इज़ द बेस्ट फॉर बिजनेस इन रशिया इन 2013। According to 2012 census of Russia, Ufa population is 11 lakh and Ufa Russia का 11th most populous city है रशिया में। एंड एरिया की बात करें तो 7th largest city है रशिया में। तो अब बात करते हैं इसके वेदर की। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसके वेदर के हमने पूरी डिटेल्स लिख दी हैं। जनवरी -10 डिग्री टू 19 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका फरवरी में -8 डिग्री से -18 डिग्री चला जाता है, फिर मार्च में 0 डिग्री से -11 डिग्री चला जाता है, और अप्रैल में 11 डिग्री से -1 डिग्री, फिर मई में आपका 6 डिग्री से 20 डिग्री, फिर जून में आपका 11 डिग्री से 24 डिग्री, जुलाई में आपका 13 डिग्री से 25 डिग्री, और अगस्त में आपका 11 डिग्री से 23 डिग्री, और सितंबर में 6 डिग्री से 17 डिग्री, एंड अक्टूबर में 0 डिग्री टू 7 डिग्री, और आपका नवंबर में -1 डिग्री टू -8 डिग्री, और दिसंबर में -7 डिग्री टू -15 डिग्री। ठीक है, तो ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम रहते हैं, यहाँ पे मोस्टली स्नोफॉल ही होती है। यहाँ पे रशिया में आप देखें तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे वेदर है, ये स्नोई वेदर है, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है। तो अब बात करते हैं रूट के बारे में, मतलब आप इंडिया से बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचे इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी होगी मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए, जो कि 6 आवर का रहता है। ठीक है, फिर मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको उफा सिटी के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जो कि 1.2 आवर्स का रहता है, और फिर आपको उफा सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको कैंपस तक पहुँचने में 20 मिनट का समय लगता है, और कैंपस में आपका जो कॉलेज होता है और आपका जो हॉस्टल होता है, उसके बीच में 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता है। तो अब हम बात करते हैं हॉस्टल के एंड इसके इश्यूज़ के बारे में। तो पहले जो हॉस्टल थे हमारे, एक्चुअली वो उसमें खाली 4 ऑक्यूपेंसी थी। पहले 2-3 ऑक्यूपेंसी रूम्स अवेलेबल नहीं थे, बट इस साल यूनिवर्सिटी ने एक न्यू हॉस्टल ले लिया है जिसमें ऑल नेसेसरी चीज़ें हैं आपकी, एंड ऑक्यूपेंसी भी 2 से 3 स्टूडेंट की रहेगी एक रूम में। और रूम्स में आपका क्या क्या रहेगा, रूम्स में आपका स्टडी टेबल, कपबोर्ड, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, एंड आपका अटैच बाथरूम रहेगा, एंड किचन इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2 हॉस्टल बिल्डिंग है, एंड ओवरऑल 6 हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एक वीडियो जल्दी अपलोड होगी हॉस्टल बिल्डिंग्स के ऊपर एंड रूम्स के ऊपर भी, बट अभी के लिए आप पिक्स देख ही रहे हैं। तो अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में एक खुद का इनका मेडिकल क्लिनिक है जिसमें 750 बेड्स हैं। इस क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी भी होती है। यूनिवर्सिटी में 32 हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट किए हुए हैं, जिसका टोटल बेड्स मोर देन 12,000 होती है। ईयरली यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में 10,000 सर्जरी किए जाते हैं, एंड 4,000 डिलीवरी होती ही है, एंड 2,400 पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अब BSMU ने 2018 में रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड थर्ड ईयर से ही स्टूडेंट्स को इनका एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल लैब में सब मॉडर्न एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, कैडेवर अवेलेबल है, एंड रेशियो ऑफ कैडेवर टू स्टूडेंट इज़ 1:7, मतलब 7 स्टूडेंट्स पर 1 कैडेवर। एनाटॉमी प्रोफेसर ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ 3 times प्रेसिडेंशियल अवॉर्डी फॉर बेस्ट एनाटॉमी प्रोफेसर इन रशिया। 8 डिपार्टमेंट का सिमुलेशन सेंटर भी है BSMU में। इससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। तो अब बात करते हैं BSMU के फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपको पर ईयर चुकाना होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने आपका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे, BSMU के ऑफिशियल साइट से निकाला गया है ये स्क्रीनशॉट। तो इसका ट्यूशन फीस कितना है पर ईयर, तो इसका ट्यूशन फीस 2,72,736 रूबल्स है। ठीक है, और इसका हॉस्टल फीस जो है वो 12,000 रूबल है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पर ईयर है, और इसका वीज़ा एक्सटेंशन 2,000 रूबल है पर ईयर, मेडिकल चेकअप 3,500 रूबल है पर ईयर, एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो है इसका 5,000 रूबल है पर ईयर, और वैक्सीनेशन ओनली फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज़ ये आपका 5,000 रूबल्स है। टोटल देखा जाए तो इसका 3,05,000 रूबल पड़ जाता है आपको पर ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी जो रिमेनिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर इन पर ख़त्म होने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। और प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल। एंड आप हमसे अगर कुछ छूट गया है इन्फॉर्मेशन बताने में, ठीक है, आप हमको डीएम कर सकते हैं, फेसबुक में बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको अभी तक क्लियरली समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कहीं पर भी आके, ठीक है। आप हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कुछ भी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं, आप कहीं भी आपके बता सकते हैं। फिर भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।